ध्यान दीजिए, आपका टॉपिक आपका यही है और इम्पोर्टेंट थ्योरम है यह कैलीज थ्योरम, क्योंकि एग्जाम में आता है कि स्टेट एंड प्रूफ कैलीज थ्योरम, क्योंकि स्टेटमेंट भी दे देता है, खड़ी कहता है प्रूफ प्रूफ कीजिए उस स्टेटमेंट को। सबसे पहले स्टेटमेंट इसका है क्या, तो कैलीज थ्योरम स्टेटमेंट है कि एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमार्फिक टू इट्स परमुटेशन ग्रुप। बस एक सिंगल लाइन का स्टेटमेंट, टू इट्स परमुटेशन ग्रुप, जितने में जितना सिंगल लाइन लग रहा है ना उतने ही बड़ा प्रूफ इसका होगा, टू इट्स परमुटेशन ग्रुप। एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमार्फिक टू इट्स परमुटेशन ग्रुप, ये कैलीज थ्योरम का स्टेटमेंट है कि हर एक फाइनाइट ग्रुप अपने परमुटेशन ग्रुप के क्या होता है, आइसोमार्फिक। ठीक है, सबसे पहले परमुटेशन ग्रुप क्या होता है आपको पता है, परमुटेशन एक तरह की मैपिंग होती है, यानी परमुटेशन क्या होती है, एक तरह की मैपिंग होती है जो ग्रुप से ग्रुप में ही डिफाइंड की होती है, परमुटेशन एक तरह की मैपिंग है जो ग्रुप से ग्रुप में डिफाइंड होती है। ठीक है ना, तो अब यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले एक फाइनाइट ग्रुप लेंगे, देखो स्टेप कितने होंगे आपके सामने, इस पूरे थ्योरम के प्रूफ प्रूफ थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन उस प्रूफ को हम तीन भागों में बांट लेंगे, हम मान लेंगे हमारे पास तीन थ्योरम है। ठीक है, तो पहला काम क्या होगा, पहला काम होगा परमुटेशन डिफाइंड करना, है ना जी, कोई ग्रुप मान लेंगे फाइनाइट ग्रुप, तो वहाँ पे परमुटेशन डिफाइन करिएगा, परमुटेशन डिफाइन करिएगा। अब परमुटेशन कैसे डिफाइन करेंगे आप लोग, कोई मैपिंग परमुटेशन कब कल आएगी, जब वो मैपिंग जी से जी में डिफाइंड हो, और मैपिंग क्या हो, वन वन और आन टू, कोई मैपिंग यफ अगर उससे जी से जी में डिफाइन करें और वन वन और आन टू हो जाए तो मैपिंग क्या हो जाती है, परमुटेशन, उसी मैपिंग में क्या बोलते हैं, परमुटेशन। तो आप एक मैपिंग डिफाइन करेंगे उस फाइनाइट ग्रुप जी से उसी फाइनाइट ग्रुप जी में, और उसे दिखाएंगे कि मैपिंग क्या है, ये वन वन और आन टू है, ये आप दिखाएंगे, अगर ऐसा दिखा देंगे तो आप बोलेंगे कि भाई आप जो मैपिंग है ये परमुटेशन हो गई। अब परमुटेशन जब बन जाएगा तो इससे आपने आप देखते हैं कोई सेट आपके पास होता है, इसे आपने वन टू थ्री लिया हुआ था, तो वन टू थ्री लिया तो जो सेट आपने लिया हुआ था उसमें आपने क्या किया था कि कुल छः परमुटेशन बने थे। जब आप परमुटेशन डिफाइन कर लेंगे, पहला स्टेप परमुटेशन डिफाइन करके मैपिंग डिफाइन करके उस परमुटेशन दिखा देना है, वन वन आन टू दिखा देना है। दूसरे स्टेप में आप एक परमुटेशन का सेट बनाएंगे, परमुटेशन क्या बनाएंगे, सेट कैसे बनाएंगे, जैसा आपने डिफाइन किया हुआ है एक परमुटेशन का सेट बनाएंगे। अब जो परमुटेशन का आप सेट बनाएंगे, है ना, आप उसको दिखाएंगे कि जो परमुटेशन का सेट है ग्रुप बनाता है, क्या बनाता है, यह ग्रुप। किसी परमुटेशन के सेट को आप ग्रुप बनाता हुआ कैसे दिखाएंगे, आप दिखाएंगे कि जो ये परमुटेशन का सेट है यह क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, यह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, इसके पास आइडेंटिटी है, इसके पास हर एलिमेंटों के इन्वर्स है, ये चारों प्रॉपर्टी दिखाएंगे। अगर चारों प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगा तो आप बोलेंगे देखिए यह हो गया परमुटेशन ग्रुप हो गया। जब परमुटेशन ग्रुप हो गया तो दूसरा स्टेप आपका रहेगा जिसमें आप लोग परमुटेशन के सेट को परमुटेशन ग्रुप बनाते हुए दिखाएंगे, और परमुटेशन का ग्रुप बन जाएगा तो अब एक फिर एक मैपिंग डिफाइन करेंगे। वो मैपिंग कहां से कहां डिफाइन करेंगे, उस फाइनाइट ग्रुप जी से परमुटेशन ग्रुप में। पहला जो मैपिंग डिफाइन किया था वो जी से जी में डिफाइन किया था, लेकिन अब जो मैपिंग डिफाइन करेंगे वो ग्रुप जी से परमुटेशन ग्रुप में मैपिंग डिफाइन करेंगे। हमको वही दिखाना है ना, हमको आइसोमार्फिक किसको दिखाना है, एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमार्फिक टू इट्स परमुटेशन ग्रुप, मतलब फाइनाइट ग्रुप को परमुटेशन ग्रुप के आइसोमार्फिक दिखाना है। तो तीसरे स्टेप में आप एक मैपिंग फील्ड डिफाइन करेंगे और उस मैपिंग को आप फाइनाइट ग्रुप जी से परमुटेशन ग्रुप जी डैश या जी डैश का नाम दे दीजिए उसमें डिफाइन करेंगे, और डिफाइन करके दिखाएंगे कि वो मैपिंग वन वन है, वो मैपिंग आन टू है, वो मैपिंग होमोमार्फिजम है। जैसे ही वो मैपिंग इतना होल्ड करेगा तो बोलेंगे वो मैपिंग आइसोमार्फिजम है, और जैसे ही दो ग्रुप के बीच में कोई मैपिंग डिफाइन करके आपने आइसोमार्फिजम दिखा दिया, इसका मतलब वो दोनों ग्रुप एक दूसरे के आइसोमार्फिक कहलाएंगे। बस समझ में आ रही है, तो ये इतने स्टेप आपको लेने हैं। तो सबसे पहले इसे प्रूफ में स्टार्ट करते हैं, अभी मैं प्रूफ करा दूंगा बेटा, फिर मैं एकदम एक एग्जांपल लूंगा, और जैसे जैसे प्रूफ किया रहूंगा एकदम वैसी वैसी एग्जांपल पे भी सेटअप करके दिखाऊंगा, देखिए एकदम एक्चुअल कैसे काम कर रहा है, पूरा चीज मैं एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगा आपको इसको। ठीक है ना, तो जितना देखो बहुत सीधी सी बात होती है, थ्योरम जितना कठिन हो, जितना बड़ा थ्योरम हो उसको उतना पढ़ो, ठीक है, उस पर उतना ही ज़्यादा बात करो। ये नहीं कि कठिन थ्योरम है तो सोचे कैसे काम चला के निकल जाए, ऐसा होता है थ्योरम टफ है तो लोग क्या करते हैं कि चलिए भाई शॉर्ट में कुछ ऐसा कर लें से याद हो जाए बस काम निकल जाए, नहीं, जितना टफ टॉपिक हो उतने ज़्यादा आप उसको एनालिसिस करेंगे, जितना ज़्यादा डिस्कस करेंगे ना उतने ज़्यादा आपको क्लियर होता चला जाएगा। ठीक, तो यह आपका थ्योरम बड़ा थ्योरम है तो इसको हम लोग बताया था, इसको देखेंगे वन बाई वन, समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे, पूरी देखने की कोशिश करेंगे कि हाँ ये पूरी चीज़ें होती हैं, पूरा चीज़ आपको स्पष्ट दिखाई देगा
और इसको तीन पार्ट में बांट के आप सॉल्व करेंगे, आपको आसानी से तैयार हो जाएगा पूरा। एक साइज देखोगे तो घबराहट होगी, इतना बड़ा थ्योरम का प्रूफ नहीं। उसको तीन पार्ट में कर लो, कि पहले मुझे परमुटेशन डिफाइन करना है, फिर मुझे परमुटेशन ग्रुप बनाते हुए दिखाई देना है, इसमें क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स दिखाना है, और फिर मुझे आइसोमार्फिज्म दिखाना है, एक मैपिंग डिफाइन करनी है फाइनाइट ग्रुप जी से फाइना परमुटेशन ग्रुप में, और उसको हमको आइसोमार्फिज्म दिखाना है। तीन पार्ट में करके करेंगे, इजीली सब कर लेंगे, फिर वो तीनों पार्ट छोटे छोटे आपको दिखाई देंगे, आराम से कर लेंगे। चलिए यहाँ पे प्रूफ में इसकी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं जी, पर समझ लीजिए, बाद में लिखने के लिए लिखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, किताब में भी पढ़ा है, छाप लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप, जी कोई फाइनाइट ग्रुप है, जी मान लेते हैं कोई फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है ना। एंड इफ ए बिलोंग्स टू जी कमा एक्स बिलोंग्स टू जी, अगर ए और एक्स कोई दो एलिमेंट अगर जी में है, तो विच इंप्लाइज ए इंटू एक्स, ऐसा भी एलिमेंट जीन होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी के तहत अगर जी से कोई दो एलिमेंट लेंगे तो उनके मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट उसी जी में दिखाई देगा। क्लोजर प्रॉपर्टी के तहत ए एक्स भी आपका जी में एलिमेंट होगा, ठीक है। लेट अस डिफाइन अ मैपिंग, एक मैपिंग डिफाइन करते हैं, डिफाइन अ मैपिंग, एक मैपिंग डिफाइन करते हैं यफ, सच दैट यफ मैप्स जी टू जी, जी से जी में डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं? जी से जी में, क्यों? हम परमुटेशन डिफाइन करें, परमुटेशन करके मैपिंग होती है, क्योंकि आपको दिखाना है एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमार्फिक विद परमुटेशन ग्रुप। परमुटेशन ग्रुप में कैसे एलिमेंट होंगे? परमुटेशन, परमुटेशन ग्रुप किसका सेट होता है? परमुटेशन है ना, उसमें जो एलिमेंट होंगे परमुटेशन होंगे। पहले परमुटेशन तो डिफाइन कर लीजिए, तो सच दैट, अच्छा डिफाइन अ मैपिंग, यहाँ लिखिएगा एफ ए, एफ ए सच दैट एफ ए मैप्स जी टू जी डिफाइंड एज, डिफाइंड एज एफ ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी। एक मैपिंग मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया, जी से जी में ही मैपिंग एक डिफाइन किया हूं, लेकिन कैसे है वो एफ ए एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब समझ रहा है ये कैसे मैं लिख रहा हूं? कोई दिक्कत नहीं, एक्चुअल में क्या हो रहा है कि एक एलिमेंट को फिक्स कर दे रहा हूं, बस उसी ग्रुप के एक जी का ही एलिमेंट है, उसी ग्रुप के एक एलिमेंट को फिक्स कर दे रहा हूं, उसी ग्रुप के एक एलिमेंट को फिक्स करिए और उस ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के साथ बारी बारी से मल्टीप्लाई करिए, तो वो जो आएगा वही उसका इमेज आएगा। फिर दूसरे एलिमेंट को फिक्स करिए, उस ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट से बारी बारी से मल्टीप्लाई कीजिए, वो जो आएगा वो इसका इमेज आएगा। बात समझ में आ रही है? मैं आपको एग्जांपल थोड़ा दिखाऊंगा। तो ये मैपिंग मैंने इस तरीके से डिफाइन कर दिया, जी से जी में डिफाइन किया। अब ये जो मैपिंग मैंने डिफाइन किया, अगर यही मैपिंग 1 1 2 हो जाए तो यही जो मैपिंग है यह परमुटेशन बन जाएगा, यही तो परमुटेशन बन जाएगा। परमुटेशन करके मैपिंग होती है जो ग्रुप से ग्रुप में ही डिफाइंड होती है। तो हमने एक मैपिंग इस तरह से डिफाइन कर दिया, अब इसी को 1 1 2 दिखाना है। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे मैपिंग हम लोगों ने खुद से डिफाइन किया हुआ है, खुद से बनाया हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, इस तरीके से डिफाइन मैंने कर दिया। ए एक्स कहाँ का एलिमेंट होगा? जी का एलिमेंट होगा। ए एक्स जी में होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? निश्चित होगा। तो कन्फर्म कोई समस्या इसमें नहीं है कि जो एलिमेंट हम एक्स लिए हैं वो भी जी का एलिमेंट है, ए भी जी का एलिमेंट है और ए एक्स भी जी का एलिमेंट है, कोई समस्या नहीं है। तो एफ एक्स बराबर ए एक्स मिल सकता है, कोई समस्या नहीं। अब देखिए, ये देखना है कि मैपिंग जो है 1 1 2 है कि नहीं है। लेकिन जब भी कोई मैपिंग आप खुद से डिफाइन कीजिए, सबसे पहले देखा कीजिए कि मैपिंग वेल डिफाइंड है कि नहीं है। अगर कहीं मैपिंग ऑलरेडी डिफाइंड तो भाई फिर वो डिफाइन करके दिया हुआ है, लेकिन यहाँ आप अपने से डिफाइन कर रहे हैं, अपने से डिफाइन कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ जब अपने से डिफाइन कर रहे हैं, परमुटेशन बना रहे हैं आप, तो पहले जब भी मैपिंग अपने से डिफाइन किया कीजिए, तो आप एक स्टेप था बढ़ा लिया कीजिए, हमेशा मैपिंग इज वेल डिफाइंड जरूर दिखाया कीजिए। तो आइए, सबसे पहले स्टेप में चल रहा है, इस थ्योरम का पहला पार्ट चल रहा है ना, पहला पार्ट यहाँ पे एफ ए इज वेल डिफाइंड। जो एफ ए मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ये क्या है? वेल डिफाइंड। किसी मैपिंग को वेल डिफाइंड कैसे दिखाते हैं? सेम एलिमेंट के सेम इमेज, तो मैपिंग वेल डिफाइंड। अगर सेम इमेज सेम एलिमेंट के, तो मैपिंग 1 1। याद रखिएगा, सेम एलिमेंट के सेम इमेज तो मैपिंग वेल डिफाइंड, अगर सेम इमेज सेम एलिमेंट के तो मैपिंग 1 1। इतनी बात होती है खाली, है ना। तो हमको दिखाना है मैपिंग वेल डिफाइंड है, तो सेम एलिमेंट लेने हैं। एलिमेंट कहां से लेंगे? डोमेन से। डोमेन कौन है? जी। यहाँ कोडोमेन भी जी है संयोग से, कोई दिक्कत नहीं है, बट याद रखिएगा यहां से लेंगे आप एलिमेंट, है ना। तो यहाँ पे तो लेट कर लेते हैं, दो एलिमेंट सेम ले लेते हैं, दो एलिमेंट सेम ले लेते हैं, और फिर दिखाएंगे कि दोनों एलिमेंट अगर जो सेम मैंने लिया हुआ है ना, उसका इमेज भी क्या है? सेम। तो लेट कर लेते हैं x बराबर y, और x y कहाँ का एलिमेंट है? जी का एलिमेंट। तो अगर मैपिंग वेल डिफाइंड है,
एक्स वाई अगर आपने जी में लिया है और एक्स वाई आपने बराबर माना हुआ है, तो अगर मैपिंग वेल डिफाइंड है तो एक्स बराबर वाई होने पर जो एक्स और वाई का इमेज होगा वो भी बराबर आना चाहिए, तभी मैपिंग वेल डिफाइंड बोला जाता है। तो यहाँ लगा दीजिए भैया एक्स बराबर वाई है बेटा, अगर मैं ए से गुणा कर दूं दोनों साइड, कोई दिक्कत है क्या? तभी बराबर आएगा, तभी बराबर ही आएगा। अगर एक्स बराबर वाई है तो ए एक्स बराबर ए वाई भी आएगा। ए एक्स का मतलब हो गया एफ एक्स, और ए वाई का मतलब हो गया एफ ए वाई। इसका मतलब आपने x बराबर y माना था तो आपने दिखा दिया एफ एक्स बराबर एफ ए वाई, मतलब मैपिंग क्या हो गई वेल डिफाइंड। सेम एलिमेंट के सेम इमेज, x y एलिमेंट सेम लिया तो x और y का इमेज, x का इमेज एफ एक्स, y का इमेज एफ ए वाई, ये भी बराबर मिल गया, मैपिंग इज वेल डिफाइंड। और मैपिंग 1-1 भी है, एफ ए इज 1-1, जस्ट उल्टा होगा बेटा। और उन्होंने क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं दो एलिमेंटों का इमेज सेम लेंगे, तो लेट कर लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए वाई, दो एलिमेंटों का इमेज सेम कर लेते हैं तो एलिमेंट भी सेम आने चाहिए, आ जाएगा। एफ एक्स कैसे काम करेगा, ए एक्स मिलेगा, एफ ए वाई कैसे होगा, ए वाई मिलेगा। अब ए एक्स वाई, ए एक्स और वाई सब जी के एलिमेंट हैं, और जी में कैंसिलेशन ला होल्ड करता है, इन्हें काट देंगे ना, काटते नहीं, बताया हूँ आप लोगों को, है ना। तो बाई लेफ्ट कैंसिलेशन ला, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन ला, लेफ्ट कैंसिलेशन ला से ए से हट जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू, तो दो एलिमेंटों के इमेज सेम लिए तो एलिमेंट भी आपको क्या मिल गए सेम, मतलब मैपिंग क्या हो गया 1-1, मैपिंग 1-1 हो गया। अब बात करनी है कि मैपिंग आपका आन टू भी है, बासनबारी है। अच्छा बेटा यफ इज आन टू, यफ को आन टू ही, यफ आन टू भी है, कैसे है इसको भी दिखा देते हैं, यफ आन टू कैसे है ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात, अगर ए बिलोंग्स टू जी है तो कंफर्म है कि बेटा ए इनवर्स भी जी में बिलोंग करेगा। अगर ए इनवर्स जी में है और यक्स भी जी में है तो कंफर्म है ना, देखिए टिफिन गिर गया, ए इनवर्स यक्स जो है यह भी जी में होगा, होगा कि नहीं होगा ऐसा एलिमेंट, ऐसा भी एलिमेंट जी में होगा, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, ये चीजें आपके पास जनरल इंफॉर्मेशन है, ये सब चीजें होती रहेंगी। अब आंटू मतलब क्या होता है, आंटू मतलब यहाँ का कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, यहाँ का हर एक एलिमेंट, यहाँ किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, है ना। बोलेंगे फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी, मतलब यहाँ ये एक्स बिलोंग्स टू जी कहाँ का है, यहाँ का है, ये कोडोमेन का, तो कोडोमेन का कोई भी एक्स जो होगा जी का, जो भी इसका एलिमेंट है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट, तो इस जी का हर एक एलिमेंट वहां पे जी है, तो इस जी का हर एक एलिमेंट वहां के जी के किस एलिमेंट का इमेज होगा, तो देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू जी, बताओ ए इनवर्स जी में होगा कि नहीं होगा, ए एक्स जी में है, एक्स जी में है, ए जी में है, जी ग्रुप है, तो ए इनवर्स भी जी में होगा, तो ऐसा भी वाला एलिमेंट भी जी में होगा। तो यहाँ का कोई भी एक्स उठाएंगे, यहाँ का कोई भी एक्स उठाएंगे, वहां के किस एलिमेंट का इमेज होगा, वहां के ए इनवर्स एक्स का इमेज होगा, कैसे, देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू जी, ए जी कौन सा है, डोमेन वाला, सच डैट जब बेटा एफ लगाओगे आप इस पर, तो इस पर एफ लगाने पर जो मैपिंग है उसको लगाने पर एक्स आना चाहिए, तो देखो आया कि नहीं आएगा, ए जब किसी एक्स पे लग रहा है तो गुणा करके दे रहा है, तो जब ए इसके साथ लगेगा तो ए इंटू ए इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए इंटू ए इनवर्स और एक्स हो जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी एक्स और ये हो जाएगा आपका एक्स, तो एफ इज आन टू हो गया, बस में एफ हमारा आन टू हो गया। तो इस तरीके से जो मैपिंग हमने जी से जी में डिफाइन किया था वो 1-1 हो गया, आन टू हो गया, वेल डिफाइंड हो गया, एंड देयरफोर एफ ए इज अ परमुटेशन। ये क्या है, परमुटेशन एक मैपिंग है, और ये मैपिंग कैसी है, 1-1 आन टू है, इसलिए और जी से जी में डिफाइंड है, इसलिए मैपिंग क्या हो गई, एफ ए आपका हो गया परमुटेशन, रोटेशन हो गया। अच्छा मैंने क्या बोला कि एक एलिमेंट को ऐसे फिक्स करेंगे, ऐसे जी का दूसरा एलिमेंट फिक्स करेंगे, तीसरा एलिमेंट, मतलब क्या करना है, जी में जितने एलिमेंट, मान लीजिए जी में तीन एलिमेंट है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, तो पहले आप एफ 1 एक्स लिखोगे, फिर आप एफ ओमेगा एक जगह ओमेगा, एफ ओमेगा एक्स करोगे, फिर एफ ओमेगा स्क्वायर एक्स करोगे, तीन ठो मिलेगा परमुटेशन ना। तो ऐसे ही जी में जितने एलिमेंट होंगे वैसे ही आप यहाँ फिक्स करते जाओगे और ऐसे ही गुणा करते जाओगे, मिलता जाएगा आपको, बात समझ में आ रही है। तो जो परमुटेशन बनेंगे वो कैसे बनेंगे, 10 डिफाइन है सेट, एक सेट डिफाइन करते हैं और उस सेट को जी डैश से दिखा लेते हैं,
और इस जी डैश में कैसे एलिमेंट आएंगे, यफे वाले एलिमेंट आएंगे, कैसे एलिमेंट आएंगे, यफे वाले एलिमेंट आएंगे, सच डैट ए बिलोंग्स टू जी, मतलब जी के प्रत्येक एलिमेंट को ऐसे बारी बारी से फिक्स करते जाना है और फिर जो इमेज आएगा उसको यहाँ पे नोट करते जाना है ना। तो जो मैपिंग इस तरह से डिफाइन होती जाएगी, यहाँ बी करोगे तभी जो मैपिंग डिफाइन होगी वो भी परमुटेशन का कंडीशन पूरा होल्ड करेगा, यहाँ सी को फिक्स करोगे तभी जो मैपिंग डिफाइन होगी वो भी परमुटेशन का पूरा केस होल्ड करेगा। तो इस तरह से हर एक मैपिंग क्या बन जाएगी, परमुटेशन। उन सभी मैपिंग को आप एक सेट में दिखा दीजिए तो यह एक सेट बन जाएगा। अब बस यही दिखा दीजिए कि ये जो सेट बना हुआ है, जो किसका सेट है, परमुटेशन का सेट, जी डैश डिफाइन सेट, जी डैश इज अ सेट ऑफ परमुटेशन, ये परमुटेशन का सेट है। अब ये जो सेट परमुटेशन का बना हुआ है, अब इसको दिखाना है दूसरे पार्ट में, आपको ये दिखाना, मतलब दूसरा एक हम कह सकते हैं पार्ट भी कह सकते हैं उसको। अब आगे हमको ये दिखाना है कि ये जो परमुटेशन का सेट बना हुआ है ये पूरा ग्रुप बनाएगा, क्या बनाएगा पूरा ग्रुप। अगर ये पूरा ग्रुप बना देगा तो यही जी डैश क्या बन जाएगा, परमुटेशन ग्रुप, ये जो जी डैश है परमुटेशन ग्रुप बन जाएगा। फिर तीसरे स्टेप में एक मैपिंग फिर डिफाइन करेंगे, वो कहां से कहां डिफाइन करेंगे, जी से इस जी डैश में परमुटेशन ग्रुप में डिफाइन करेंगे और फिर दिखा देंगे कि वो जो मैपिंग है 1 1 R2 होमोमार्फिज्म है, और जैसे ऐसा हो जाएगा तो मैपिंग आइसोमार्फिज्म, और तब वही जी और ये जी डैश आइसोमार्फिक हो जाएगा, वही आपका स्टेटमेंट है। पहला पार्ट नोट कर लीजिए पहले, अभी मैं एग्जांपल समझाऊंगा, पूरी बातें एग्जांपल में साफ साफ दिखाई देंगी आपको, अभी आप ऐसे नोट करिए। ये हो गया जी डैश, एक परमुटेशन का सेट बन गया जी डैश, जिसमें कौन से एलिमेंट है, परमुटेशन है, एलिमेंट के रूप में कौन है, परमुटेशन है, और कैसे परमुटेशन है, यफे टाइप के हैं और ए बिलोंग्स टू जी, है ना, ये परमुटेशन का सेट है। अब आइए इसको हम देखना चाहते हैं कि क्या यह सेट ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा, यह सेट ग्रुप का फॉर्मेशन तभी करेगा जब यह ग्रुप की पूरी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर सेट से कोई दो एलिमेंट लेंगे, लेट यफे कामा यफ बी बिलोंग्स टू जी डैश, जहां पे ए और बी कहां के एलिमेंट बेटा, जी के एलिमेंट, ए और बी जी के एलिमेंट। तो अगर यफे कामा यफ बी बिलोंग्स टू जी डैश है तो हमको यह दिखाना है कि यफे इंटू यफ बी भी कहां बिलोंग करेगा, जी डैश में बिलोंग करेगा, है ना, ध्यान दीजिए। देन कैसे होगा, यफे इंटू यफ बी करते हैं, अब यफे इंटू यफ बी जी डैश में बिलोंग करेगा तो इसको काम करते हैं कि यक्स पे ऐसे ऑपरेट कराते हैं, इसको लिख देते हैं यफे और यफ बी यक्स, ऐसे कर लेते हैं, ये जाएगा यफे, यफ बी यक्स का मतलब बेटा क्या मालूम है, यफ बी यक्स का मतलब बी यक्स, क्योंकि ये यफे कैसे डिफाइन किया गया था, यफे बराबर ए यक्स के रूप में, तो यफ बी यक्स का मतलब बी यक्स। अब ये जो बी यक्स है कहां का एलिमेंट है, ग्रुप का एलिमेंट है, यक्स जी का एलिमेंट है, ए जी का एलिमेंट है, बी जी, तो बी यक्स भी ग्रुप का एलिमेंट है। अब यफे को इस पर लगा दीजिए तो ए ऐसे बाहर और ए ऐसे हो जाएगा। अब ए बी यक्स कहां के एलिमेंट है, जी के एलिमेंट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दीजिए तो ए बी को एक साथ कर लीजिए, एक्स को ऐसे कर लीजिए, कर लिया। ये ए इंटू बी कहां का एलिमेंट है, ये भी ग्रुप का ही एलिमेंट है, तो इसको लिख दीजिए ऐसे, यफ ए बी एक्स। इसका मतलब क्या समझे, क्या है इसका मतलब, इसका मतलब कि जो यफे बी, यफे इंटू यफ बी है ये किसके बराबर आ गया, यफे बी के बराबर आ गया। अब बताओ ए एलिमेंट या जो एलिमेंट है यह जी डैश में होगा कि नहीं होगा, यस जरूर होगा, क्यों, क्योंकि ध्यान दो यहाँ पे, ये परमुटेशन बना कैसे है, ग्रुप के ही एलिमेंट को लेकर बना हुआ है, ग्रुप का एलिमेंट ए लेके यफ ए बना के डिफाइन कर दिया, एक्स जो आया परमुटेशन आया, ग्रुप से बी ले लेंगे यफ बी, बी एक्स वाला जो आएगा वो भी परमुटेशन आएगा। तो ए अगर जी में है, बी जी में है, तो ए इंटू बी भी तो जी में होगा, और जो ए इंटू बी जो भी एलिमेंट होगा उसके करेस्पॉन्डिंग भी तो परमुटेशन होगा, और उसके करेस्पॉन्डिंग जो परमुटेशन बनेगा वो आपका होगा यफ ए इंटू बी। तो ये भी कहां, अच्छा ए किसके बराबर है, यफ ए इंटू यफ बी के बराबर, इसका मतलब यफ ए और यफ बी है ना का जो मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट है वो भी जी डैश से बिलोंग कर गया, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड है ना, इस तरीके से। विच इंप्लाइज मैं ये भी लिख सकता हूँ बेटा यहाँ पे कि जो यफ ए यफ बी मैंने जी डैश से माना, यफ ए इंटू यफ बी बिलोंग्स टू क्या हो गया, जी डैश, ठीक है। और ये चीज दिमाग में और याद रखेंगे आप लोग कि गुणा कैसे हो रहा है, इसमें कैसे गुणा हो रहा है, यफ ए इंटू यफ बी बराबर यफ ए बी, है ना, मतलब ए और बी के करेस्पॉन्डिंग जो बना हुआ कोशेट है, सॉरी कोशेट नहीं, जो परमुटेशन है, ए और बी के करेस्पॉन्डिंग जो बना हुआ परमुटेशन है, उस परमुटेशन का मल्टीप्लीकेशन करने पे वही रिजल्ट आएगा जो ए इंटू बी के करेस्पॉन्डिंग बना हुआ परमुटेशन है, वो दोनों परमुटेशन सेम आएंगे। मैं इसको भी एग्जाम्पल थ्रू सब दिखाऊंगा, आप हर एक लाइन जो मैं बोले जा रहा हूँ सब एग्जाम्पल्स भी करके दिखाऊंगा, आप देखिएगा। यह हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर नेक्स्ट हम क्या दिखाएंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या करना था बेटा, यहां तीन एलिमेंट लेते हैं, जी डैश से तीन एलिमेंट लेंगे, तो लेट कर लेते हैं एफ ए एफ बी एफ सी बिलोंग्स टू जी डैश, देन वी हैव टू शो दैट। तो अगर हमको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हुए देखना है या दिखाना है, तो आपको बेटा यह दिखाना होगा कि एफ ए एफ बी इंटू एफ सी बराबर एफ ए इंटू एफ बी इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू इंटू एफ सी, मतलब एफ ए इंटू एफ बी इंटू एफ सी, या एफ ए इंटू एफ बी कर लीजिए बाद में एफ सी से मल्टीप्लाई कीजिए, ये रिजल्ट दोनों सेम आने चाहिए, है ना। तो आइए दिखाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं एफ ए इंटू एफ बी इंटू एफ सी, यह रिजल्ट हमको इसके बराबर दिखाना है ना, बहुत आसानी दिखा सकते हैं। सो ऐसे लिखिए बेटा यहाँ पे इस पूरे को, या ऐसे मैं कर देता हूँ, हाँ चलो ऐसे लिख देता हूँ, इस पूरे को यक्ष पे, भाई मैपिंग है ना, या एफ बी एफ सी जो परमुटेशन, वो मैपिंग है, परमुटेशन करके मैपिंग होती है, तो यक्ष पे लगाइए उसको। तो कैसे लगाएंगे इसको, ऐसे लगाइए एफ ए है ना एफ बी एफ सी, और ऐसे यक्ष पे लगाइए। और अभी आपने देखा कि जब एफ ए इंटू एफ बी करते हैं तो एफ ए इंटू बी आता है, तो यह आ जाएगा बेटा कैसे मालूम है, यह हो जाएगा एफ बी सी और यक्स हो जाएगा, क्लियर है। और जब बी सी लगेगा यक्स पे तो मिल जाएगा बी सी यक्स, ऐसे नहीं मिल जाएगा, ऐसे नहीं बुरा हो रहा है, एफ ए यक्स ए इंटू यक्स, जब बी सी यक्स तो बी सी इंटू यक्स, ऐसे मिल जाएगा। और जब ए एफ ए जब बी सी यक्स पे लगेगा तो मिल जाएगा ए बी सी यक्स, ऐसा मिल जाएगा, देख रहे हैं इस तरीके से। अब ये सब ग्रुप के एलिमेंट है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से इसको ऐसे लिख दीजिए ए बी ऐसे कर लीजिए और सी एक्स कर लीजिए। अब जब ऐसा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सोच सकते हैं यफ ए बी और सी एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं देखो यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई हुआ तो यही तो आएगा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जब एफ ए बी है तो सी एक्स का मतलब इसको लिख सकते हैं एफ सी एक्स, ऐसे कर सकते हैं। और एफ ए एफ ए इंटू बी को हम क्या लिख सकते हैं, है ना एफ ए इंटू एफ बी लिख सकते हैं, एफ ए इंटू एफ बी, है ना, यह हो गया इस तरीके से। और उसके बाद आपका हो गया यहाँ पे एफ सी, है ना एक्स, जो ऐसे लिख देता हूँ इस तरीके से। अब अगर मैं इसको बराबर कर दूं, छोड़ो यहाँ से सिंस इतना करते हैं, यही चालू करते हैं, अब यक्स इधर भी है, यक्स इधर भी हटा दूं अगर मैं यहाँ पे, तो मैं सकता हूँ यहाँ पे एफ ए इंटू एफ बी एफ सी का जो रिजल्ट होगा वो वही आएगा जो एफ ए इंटू एफ बी आएगा और इंटू एफ सी वही आएगा इस तरीके से, क्लियर है। फिर तीसरा जो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, अच्छा जो परमुटेशन बन रहा है बेटा वो जी के हर एक एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग बन रहा है, जी का हर एक एलिमेंट लेना है, फिक्स कराना है, एफ ए एफ बी एफ सी ऐसे फिक्स कराना है। तो इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या करते हैं, लेट कोई एलिमेंट एफ ए बिलोंग्स टू जी डैश, देन उसी जी डैश में एफ ई भी होगा, एफ ई भी होगा, क्यों होगा एफ ई, क्योंकि ई जी का एलिमेंट है कि नहीं है ग्रुप में, तो ई भी तो है, तो ई के ग्रुप में जितने एलिमेंट होंगे सब एलिमेंट्स से ग्रुप, मान लीजिए तीन एलिमेंट है बेटा ए बी सी, तो तीन परमुटेशन बनेंगे एफ ए एफ बी एफ सी, लेकिन ग्रुप है इसमें आइडेंटिटी तो होगा, ग्रुप है तो आइडेंटिटी भी तो होगा, तो आइडेंटिटी करेस्पॉन्डिंग भी जो परमुटेशन बनेगा वो हो जाएगा एफ ई, एफ ई भी होगा हमारे पास। तो लेट एफ ए बिलोंग्स टू जी डैश, देन देयर एग्जिस्ट एफ ई बिलोंग्स टू जी डैश सच डैट, अब बुला करो आप एफ ए में आप एफ ई का गुणा करो, जब गुणा करोगे तो जैसा गुणा है एफ ए इंटू एफ बी बराबर एफ ए बी, ये हो जाएगा एफ ए इंटू ई, और ए इंटू ई करोगे ए आएगा तो फिर एफ ए आ गया, इसका मतलब एफ ई का जब एफ ए में गुणा करो तो एफ ए ही आ रहा है, तो एफ ई क्या हो गया आइडेंटिटी, है ना। तो दस एफ ई बिलोंग्स टू जी डैश, है ना, ये आपका क्या हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट, ये आइडेंटिटी हो गया। फिर उसके बाद हमको दिखाना है इनवर्स, इनवर्स भी दिखा लीजिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स इसको भी दिखा लीजिए। अब आपको भी पता है ग्रुप में अगर ए है तो ए के करेस्पॉन्डिंग जो बना हुआ जो परमुटेशन है, परमुटेशन है वह एफ ए होगा,
तो ग्रुप में अगर ए है तो ए इनवर्स भी ग्रुप में होगा और उसके करेस्पॉन्डिंग जो बना हुआ परमुटेशन होगा वो एफ ए इनवर्स होगा। बस मारी है तो इसका मतलब फॉर एवरी एफ ए बिलोंग्स टू जी डैश, जी डैश में कोई भी एफ ए लेंगे देयर एग्जिस्ट एफ ए इनवर्स भी उसमें होगा जी डैश में, क्योंकि जी के हर एक एलिमेंट का करेस्पॉन्डिंग बना हुआ परमुटेशन जी डैश में है। तो जी में अगर ए है तो एफ ए जी डैश में है, जी में ए इनवर्स भी होगा क्योंकि जी ग्रुप है तो हर एलिमेंट का इनवर्स भी होगा, तो एफ ए इनवर्स भी आपका जी डैश में होगा। तो एफ ए इनवर्स बिलोंग टू जी डैश सच डैट, अब देखो इनवर्स का काम करेगा नहीं करेगा देख लीजिए, जब गुणा करोगे आप किसका एफ ए में एफ ए इनवर्स का, तो गुणा कैसे हो रहा है एफ तो ऐसे लिख दे रहे हैं एलिमेंटों का गुणा हो जा रहा है ए ए इनवर्स, और ए इनवर्स मतलब आइडेंटिटी मतलब एफ ही आ गया, आ गया एफ ही, इसका मतलब कंफर्म कि जो एफ ए इनवर्स है ना दस एफ ए इनवर्स इज इनवर्स ऑफ एफ ए। तो मतलब इस जी डैश में, इस जी डैश में हमारे पास हर एक एलिमेंट का इनवर्स है, हर एक एलिमेंट का इनवर्स बात समझ में आ रही है। तो जो जी डैश है जो परमुटेशन का सेट है क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, उसके पास एफ ए के रूप में आइडेंटिटी होगा और हर एफ ए के लिए एफ ए इनवर्स इनवर्स का काम करेगा। इसका मतलब जी डैश इज अ परमुटेशन ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप बढ़ गया। अब तीसरा स्टेप होगा, नोट कर लीजिए इसे, ध्यान दीजिए, हाँ ध्यान दीजिए। अच्छा अब देखो आपको चीजें समझ में आएंगे तो बहुत तेजी से चीजों को आप सॉल्व, जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना, अब इसको चाहो तो और इजीली दिखा सकते हो, मतलब ये जो यक्स वाला कुछ लोगों को यक्स वाले में बड़ा लफड़ा समझ में आता है ना कि यक्स लगा रहे हैं, जबकि यक्स कहाँ से है, अरे यक्स कहा नहीं आएगा, ये सब परमुटेशन मैपिंग है ना, मैपिंग को देखना है तो भैया उसको ऑपरेट करोगे लगा के देखो तब समझ आएगा मैपिंग किस तरीके से काम कर रही है, अगर नहीं फिर भी तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो। कैसे आपको दिखाना है एफ ए एफ बी एफ सी बराबर एसोसिएटिव, आप ऐसे भी दिखा सकते हो, आपको यह दिखाना है एफ ए एफ बी एफ सी, ये तो दिखाना है। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड आप बिना एक्स को लगाए भी दिखा सकते हो एफ ए, लेफ्ट हैंड साइड एफ ए एफ बी एफ सी है तो एफ ए एफ बी इंटू एफ सी क्या होगा एफ बी सी हो जाएगा, और फिर उसके बाद आपका इसको लगा दीजिए है ना, फिर ऐसे इंटू कर लीजिए एफ ए इंटू एफ बी सी क्या होगा एफ ए बी सी हो जाएगा। अब ए बी सी जी का एलिमेंट है तो एसोसिएट करेगा, इसको ऐसे कर लो ए बी को एक साथ कर लो सी को बगल में कर लो, और जब ऐसे करो फिर अलग अलग कर लो एफ ए बी एफ सी कर लो, और एफ ए बी को एक साथ अब एफ ए बी को अलग करो तो इसको अलग अलग करो एफ ए एफ बी, इसको ब्रैकेट में कर लो एफ सी को बाहर कर लो, ये आ गया राइट हैंड साइड, ऐसे भी दिखा लेंगे कोई समस्या नहीं है ना, बिना एक्स को ऑपरेट किया यही तरीका आपको जैसे भी आपको अच्छा लगे ये कोई दिक्कत नहीं है। चीजें समझ में आने स्टार्ट जाएंगे ना तो 3600 तरीके से लगा देंगे आप। आइए हम लोग अब पढ़ते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ। इस तरीके से हमने ये दिखा दिया कि जो जी डैश है जो परमुटेशन का सेट है वो पूरा ग्रुप का फॉर्मेशन करता है, अर्थात जो जी डैश है वो परमुटेशन ग्रुप है, क्लियर है ठीक बता दे रहे हैं, बाद में देख लीजिएगा। दस जो जी डैश हो गया बेटा जिसमें कैसे एलिमेंट है एफ ए सच डेट ए बिलोंग्स टू जी इज अ परमुटेशन ग्रुप, ये क्या हो गया ये परमुटेशन ग्रुप है क्योंकि ग्रुप की पूरी प्रॉपर्टी होल्ड कर गया इज अ परमुटेशन ग्रुप। अब तीसरा स्टेप हमारा हमको दिखाना क्या है, अब मेन अपने लाइन पे आते हैं कि एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू इट्स परमुटेशन ग्रुप, अगेन लेट अस डिफाइन अ मैपिंग, डिफाइन अ मैपिंग, एक मैपिंग डिफाइन करते हैं यप, अब यप तो हो चुका फाइव लिख देते हैं फाइव फाइव मैप्स जी टू जी डैश, एक मैपिंग डिफाइन करते हैं जी से जी डैश में, जी क्या है फाइनाइट ग्रुप, जी डैश क्या है परमुटेशन ग्रुप, हमको इसी फाइनाइट ग्रुप जी को परमुटेशन ग्रुप जी डैश के आइसोमॉर्फी दिखाना है, तो एक मैपिंग डिफाइन कर दिए फाइव मैप्स जी टू जी डैश डिफाइंड एज, अब यहाँ कैसा एलिमेंट होगा ए बी सी डी ऐसा टाइप का एलिमेंट होगा, यहाँ कैसा एलिमेंट होगा एफ ए एफ बी एफ सी, इसे परमुटेशन है ना डिफाइंड एज फाइ ए इज इक्वल टू एफ ए, यहाँ किसी भी एलिमेंट का इमेज यहाँ परमुटेशन के रूप में ही मिलने वाला है, तो यहाँ एलिमेंट के रूप में कौन है परमुटेशन है, और परमुटेशन कैसे डिफाइन किया था एफ ए रूप में जो डिफाइन किया था, तो मैपिंग डिफाइन कर दिया फाइ ए इज इक्वल टू एफ ए, और जहाँ पे ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है ना।
अब इसी मैपिंग को अगर हम दिखा दे 1 1 2 होमोमार्फिज्म तो यह हो जाएगा आइसोमार्फिज्म। जैसे ही मैपिंग आइसोमार्फिज्म हो जाएगी जी और जी डैश आइसोमार्फिक हो जाएंगे, है ना। तो फाई इज वेल डिफाइंड क्योंकि हमने अपने से किया हुआ है, तो कोई मैपिंग वेल डिफाइंड दिखाएं पहले आप। वेल डिफाइंड कैसे दिखाएंगे, सेम एलिमेंट के सेम इमेज होने चाहिए। तो लेट कर लेते हैं ए बराबर बी, ए बराबर बी है ना। तो एलिमेंट हमने यहां से सेम ले लिया, यहां के दो एलिमेंट ए कमा बी बिलोंग्स टू जी, यहां के दो एलिमेंट ले लिया सेम। तो अगर अगर ए बराबर बी है बेटा तो फाइ ए बराबर फाइव बी आना चाहिए, क्या आना चाहिए, फाइ ए बराबर फाइव बी, तब हो जाएगा मैपिंग वेल डिफाइंड। क्लियर है ना यहाँ पे, ए बराबर बी हमने मान लिया। अब एक्स से गुणा कर दो, ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स हो गया, बस ना रही है। और जैसे ए एक्स लिखे सुन सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एफ बी एक्स, क्या सुन सकते हैं एफ ए बराबर एफ बी, और एफ ए किसके बराबर फाइ ए के, और ये किसके बराबर फाइव बी के। तो जब a बराबर b तो फाइव ए बराबर फाइव बी, जब a बराबर b तो फाइव ए बराबर फाइव बी, इसका मतलब फाइव इज वेल डिफाइंड, सेम एलिमेंट के सेम इमेज। और जस्ट उल्टा होता है आपका बेटा, जस्ट उल्टा होता है यहाँ पे क्या, फाइव इज वन वन, ये जस्ट उल्टा। लेट कर लेते हैं फाइव ए इज इक्वल टू फाइव बी, तो अगर बेटा फाइव ए इज इक्वल टू फाइव बी है तो फाइव ए बराबर एफ ए, एफ ए बराबर एफ बी है ना। अब इसको एक्स पे ऑपरेट करा लो तो एफ एक्स बराबर एफ बी एक्स, ऑपरेट करा लो तो ए एक्स बराबर बी एक्स, तो ए बराबर बी बाय राइट कैंसिलेशन ला, फाइव इज वन वन है ना। फाइव आन टू, फाइव आन टू भी है कैसे, फॉर एवरी, यहाँ का हर एक एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए वहां इमेज, तो यहाँ कैसे एलिमेंट मिलेंगे, फॉर एवरी एफ ए बिलोंग्स टू जी डैश, यहाँ एफ ए ही नहीं मिलेगा। अच्छा अब एफ ए है देयर एग्जिस्ट ए, वहां भी मिलेगा ए, कहां से मिलता है वहीं का एलिमेंट होता है ना, ए बिलोंग्स टू जी सच दैट फाई ए बराबर एफ ए, इसमें कोई समस्या है नहीं आन टू में भाई। यहाँ जो एलिमेंट हमको उनको दिखाई दे रहे हैं वो वहां के एलिमेंट से तो बने हुए हैं, तो इसका मतलब कंफर्म है कि यह, जैसे अगर यहाँ एफ ए देखेंगे तो यहाँ ए होगा, तो वह एफ ए वहां के ए का इमेज है। यहाँ एफ बी देखोगे तो कंफर्म यहाँ बी होगा, तो ये जो एफ बी होगा वहां के बी का इमेज है, तो यहाँ कोई खाली नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ सब परमुटेशन मिलेंगे जो उसे जी से जी डैश में डिफाइंड हुआ, जी से जी में ही डिफाइंड करके बनाया गया है, तो कंफर्म वहां किसी किसी एलिमेंट से कनेक्ट है ही है, तो ये कोई दिखाई जोड़ते। फाइज आन टू हो गया इसी तरीके से, फाइज होमोमार्फिज्म, अब ये कहानी देखो फाइज होमोमार्फिज्म, अब ये कैसे दिखाएंगे, तो दो एलिमेंट लेते हैं यहां से, तो फाइव ए इंटू बी बराबर आना चाहिए फाइव ए इंटू फाइव बी, फाइव ए इंटू बी बराबर आना चाहिए फाइव ए इंटू फाइव बी, तो फाइव ए इंटू बी, तो पहले फाइव ए इंटू बी को दिखाना है फाइव ए इंटू फाइव बी बराबर, तो पहले फाइव कैसे काम कर रहा है, फाइव ए पे लग रहा है तो एफ ए दे रहा है, तो फाइव जब एफ बी पे लगेगा, फाइव ए बी पे लगेगा, फाइव जब ए बी पे लगेगा तो एफ ए बी देगा, और एफ ए बी को आप बड़े अच्छे जानते हैं, एफ एफ बी लिखते हैं, एफ एफ बी लिखते हैं, और एफ ए क्या है फाइव ए है, एफ बी क्या है फाइव बी, खत्म कहानी, फाइव होमोमार्फिज्म, हेंस फाइव वन वन एंड टू फाइव होमोमार्फिज्म, हेंस फाइव आइसोमार्फिज्म, इसलिए फाइव क्या हो गया आइसोमार्फिज्म। जब फाइव आइसोमार्फिज्म हो गया तो किस ग्रुप से किस ग्रुप में डिफाइन था, जी से डी डैश, जी डैश में, विच इंप्लाइज जी इज आइसोमार्फिक टू जी डैश, दैट इज एवरी फाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमार्फिक टू इट्स परमुटेशन ग्रुप। नोट कर लीजिए, ठीक है भैया, कैलीज थ्योरम को अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू जो है इसको देखना चाहते हैं कि कैसे एक्चुअल में कैसे एग्जाम्पल पे काम करता हुआ दिखाई देता है। मान लीजिए हम ग्रुप के रूप में ले लेते हैं, तो सिंपल सा छोटा सा ग्रुप वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यह कोई फाइनाइट ग्रुप हो गया, ए है फाइनाइट ग्रुप। हमने पहले क्या बनाया था, परमुटेशन, परमुटेशन मैंने कैसे डिफाइन किया था, एफ मैप्स, एफ ए मैप्स जी टू जी,
एफ एक्स बराबर ए एक्स। तो चलिए हम परमुटेशन डिफाइन करके बनाते हैं, कैसे? एफ वन एक्स, ये जो आपको ए लेना है वो यहीं से लेना है बारी बारी से। तो एफ वन एक्स क्या होगा, मतलब कैसे बने, कैसे बनेगा, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब वन का गुणा इन सब में करते जाएंगे, वन इंटू वन वन, वन इंटू ओमेगा ओमेगा, वन इंटू ओमेगा स्क्वायर, यही है एफ वन एक्स, ये परमुटेशन बन गया। दूसरा एफ ओमेगा एक्स लिखेंगे बेटा, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा से गुणा करेंगे, ओमेगा इंटू वन ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा, एफ एक्स बराबर ए एक्स ना, तो ही गुणा कर रहा हूँ, इसलिए मैं गुणा कर रहा हूँ सब में बारी बारी से, है ना, ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा क्यूब मतलब वन हो गया, एक ये परमुटेशन मिल गया। फिर एफ ओमेगा तीसरा एलिमेंट इसका लेते हैं, बारी बारी से लेना है, वहाँ ए लिखा गया था, सबके लिए लिखा गया था, यहाँ भी सबके लिए बारी बारी से करेंगे, यहाँ पे तो यहाँ जाएगा आपका वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, गुणा कीजिए बारी बारी से, ओमेगा स्क्वायर इंटू वन ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा, ओमेगा ऑफ मतलब ओमेगा हो गया। देखो इस तरीके से अब वो ग्रुप बन गया, जी जी ग्रुप है जिसमें कौन है, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और जी डैश ग्रुप है इसमें कौन है, इसमें है वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आइडेंटिटी, फिर वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन, फिर वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा, ये तीन एलिमेंट इसमें है, ये पूरा ग्रुप बनाएगा, ये पूरा ग्रुप बनाएगा, क्यों मालूम है, बताया क्यों ग्रुप बनाएगा बेटा, क्योंकि आपको बताया था कि परमुटेशन जब बनते हैं, परमुटेशन का सेट पूरा ग्रुप को फॉर्मेशन करेगा आपको, इसमें देखो ये जो है ना, देखो ध्यान से, ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है ना, और ये क्या पता है आपको, यह साइक्लिक परमुटेशन है, बात समझ आ रही है, ये साइक्लिक परमुटेशन है, यह भी इवन परमुटेशन, यह भी इवन है, यह भी इवन है, और जितने भी इवन परमुटेशन होते हैं ना पूरा ग्रुप बनाते हैं, अल्टरनेटिव ग्रुप है यह, ठीक है, किसी दो को गुणा करके देख लो, इसमें किसी भी दो को गुणा करो किसी का एलिमेंट आएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी, आइडेंटिटी खुद यह है, और इनवर्स आइडेंटिटी का इनवर्स खुद यही है, और इसका इनवर्स यह है, इसका इनवर्स यह है, न समय तो गुणा करके दोनों देख लो, इन दोनों गुणा करके देख लो आपको मिल जाएगा आइडेंटिटी, मिल जाएगा कैसे, देखो वन ओमेगा ओमेगा इसका गुणा करो, वन का ओमेगा ओमेगा का वन, देख रहे हैं, ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर का वन, वन का ओमेगा स्क्वायर, देख रहे हैं कि नहीं आपने, आइडेंटिटी आ गया कि नहीं आ गया, आइडेंटिटी है, इसका मतलब ये खुद का इनवर्स है, आइडेंटिटी तो खुद का इनवर्स होता है, और इसका इनवर्स यह है, और इसका इनवर्स यह है, तो पूरी प्रॉपर्टी होल्ड की कि नहीं की, है ना, अब कैसे देखो, आओ भी देखो कहानी, मैंने क्या लिखवाया था इनवर्स के बारे में, कि यफे का इनवर्स यफे इनवर्स, मतलब यफ ओमेगा, ओमेगा का इनवर्स कौन बताओ, ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर, बोलो ध्यान समझो यहाँ पे, ओमेगा का इनवर्स कौन है, ओमेगा स्क्वायर, इसीलिए यफ ओमेगा का इनवर्स कौन होगा, यफ ओमेगा स्क्वायर, ए का इनवर्स ए इनवर्स से दिखाए थे, तो यफे का हमने लिखा था, यफे का इनवर्स कौन होगा, यफे इनवर्स होगा, तो यफ ओमेगा का इनवर्स कौन होगा, यफ ओमेगा का इनवर्स, यफ ओमेगा का इनवर्स कौन है, ओमेगा स्क्वायर है, इसका मतलब यह हो जाएगा यफ ओमेगा और यफ ओमेगा स्क्वायर, यह आपको आइडेंटिटी दी जाएगा, वन मिल जाएगा, कैसे मिलेगा वन, अब गुणा भी कर लो, यफ ओमेगा क्यू मतलब यफ वन, यफ वन का मतलब यह वाला आइडेंटिटी, ये पूरी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, बस समझ आ रही है, और साथ ही साथ जैसे आपने जब डिफाइन किया हुआ है, यह आपका वन वन है, क्यों, क्योंकि देखो ये इसके करेस्पॉन्डिंग मिला हुआ है, ये इसके करेस्पॉन्डिंग मिला हुआ परमुटेशन, ये इसके करेस्पॉन्डिंग मिला हुआ परमुटेशन, बात समझ आ रही है ना, ये वन वन आन टू भी है, क्लियर है, तीसरी बात जो मैं दिखाई फाइव मैप्स दिखाई ना, फाइव मैप्स देखो, फाइव मैप्स जी टू जी डैश, फिर पहले क्या किया आपने, यफ डिफाइन किया, यफ कैसे डिफाइन किया, ऐसे यफ एक्स बराबर ए एक्स, तो कैसे काम कर रहा है, देखो ऐसे काम कर रहा है, ये तीन ठो बन गया एलिमेंट, तीन परमुटेशन बन गए, तीन परमुटेशन बन गए, तीन परमुटेशन का सेट बन गया, ये पूरा चेक कर लीजिए, पूरा ग्रुप बनाएगा, ये परमुटेशन ग्रुप बन गया, अब इसी जी से जी डैश में एक मैपिंग डिफाइन कीजिए, कैसे डिफाइन कर रहे हैं, फाई ए बराबर एफ ए, मतलब यहाँ का जो एलिमेंट ले रहे हैं वन, तो वन का इमेज एफ वन, एफ वन मतलब यह वाला, यही तो एफ वन है, यही तो एफ वन है, यह ना फाई बी मतलब ओमेगा का इनवर्स है ना, यह फाई ओमेगा, फाई ओमेगा, फाई ओमेगा का इनवर्स कौन होगा, यफ ओमेगा होगा, यफ ओमेगा मतलब यह वाला, मतलब इसका इमेज यह हो गया, और फाई ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स सॉरी इमेज 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 कौन होगा, यफ ओमेगा स्क्वायर मतलब यह होगा,
तो देखो यहाँ पे वन वन है कि नहीं है, वन वन है, आन टू भी है, अब होमोमार्फिज्म की प्रॉपर्टी होल्ड होगी, है ना। कैसे देख लो यहाँ पे, अगर यहाँ से कोई दो एलिमेंट ले लो, फाई ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, चलो ले लेते हैं, तो जाएगा फाई ओमेगा क्यू, मतलब फाई वन, और वन का इमेज फाई वन, वन का इमेज कौन है, वन का इमेज यह है वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन, और वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा, गुणा करो तो वही तो आएगा, आइडेंटिटी तो आएगा। लेकिन जैसे ही यह लिखे, यह किसका इमेज है, यह इमेज है ओमेगा का, यह किसका इमेज है ओमेगा स्क्वायर का, तो पूरा होल्ड करेगा। समझ में आ रही है, तो कोई भी ग्रुप ले लीजिए, उस ग्रुप में कोई फाइनाइट ग्रुप ले लीजिए, उसमें इस तरीके से मैपिंग डिफाइन करिए, या फिर एक्स बराबर ए एक्स, मतलब उसके एलिमेंट को बाई बाई ऐसे रखते जाइए और गुणा कराते जाइए, परमुटेशन बनता जाएगा, निश्चित परमुटेशन बन जाएगा, वेल डिफाइंड होगी मैपिंग। वन वन आन टू भी है, कैसे देखो, ये ऐसे ही तो है ना भैया, ये ऐसे ही ना, जी से जी में, जी से जी में वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इस तरीके से मैपिंग डिफाइंड है। तो एफ एक्स बराबर ए एक्स, यही तो लिखाया गया है ना, एफ एक्स बराबर ए एक्स, मतलब समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ से कोई भी एलिमेंट आप लोगे, है ना, एफ वन एक्स, है ना, एफ वन एक्स, जी से जी में डिफाइन कर रहे हैं, तो जो वन इंटू एक्स, तो किसमें गुणा करोगे आप, जैसे वन लिए तो वन में वन का किए वन आया, इसी में है ना, वन का ओमेगा में के ओमेगा आया, वो भी इसी में है ना, बस हमारे की नहीं आ रही है। तो जो एफ वन एक्स होगा वो किसके बराबर आएगा, ए एक्स के, मतलब वन इंटू एक्स के बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, वन इंटू एक्स के बराबर आएगा। मतलब अगर हम बात करें एफ वन वन की बात, मतलब वन का इमेज कौन है इस वाले मैपिंग में, वन का इमेज कौन है, तो वन इंटू वन मतलब वन है, वन का इमेज वन है। मैं बोलूं बेटा इस तरीके से बताओ, अगर मैं ऐसे बोल दूं एफ, अगर मान लीजिए यहाँ ओमेगा भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, वन ही किया, वन कर दिया, यहाँ ओमेगा ले लिया, तो इसका इमेज कौन होगा, इसका इमेज होगा वन इंटू ओमेगा, मतलब ओमेगा, मतलब इसका इमेज ओमेगा ही है, देख रहे हैं। फिर मैं बोलूँ एफ वन ओमेगा स्क्वायर में कर दूं, अगर किसी को फिक्स करके करिए आप, तो वन इंटू ओमेगा स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर, मतलब इसका इमेज ये है। ऐसे नहीं आप तो, मतलब हो गया ना एक का एक से, या ऐसे भी कर सकते हो, इसे वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है और वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, चलो मैं फिक्स कर देता हूँ ओमेगा, मैं ओमेगा फिक्स कर देता हूँ, तो एफ ओमेगा वन ये क्या होगा, ओमेगा इंटू वन मतलब ओमेगा, मतलब कि वन का इमेज ओमेगा हो गया। फिर एफ ओमेगा है ना, ओमेगा है ये फिक्स, अब यहाँ ओमेगा कर लीजिए, तो ओमेगा इंटू ओमेगा मतलब ओमेगा स्क्वायर, मतलब ओमेगा का इमेज ओमेगा स्क्वायर हो गया, और फिर यह ओमेगा फिक्स किए हैं वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यह आएगा वन, इसका इमेज यह हो गया, अभी मैपिंग वन वन आन टू ही है ना, इसका मतलब समझ रहे, समझ क्या है कि यहाँ से एफ वन परमुटेशन है, यहाँ से एफ ओमेगा परमुटेशन है, क्यों, क्योंकि ये मैपिंग वन वन आन टू है। इतने नहीं, इतने नहीं, आपका जो एफ ओमेगा स्क्वायर है यह भी परमुटेशन ही है। कैसे परमुटेशन है, अब देखो यहाँ जी और जी डैश, अच्छा जी, जी से जी में, जी से जी में यहाँ वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, चलो ओमेगा स्क्वायर फिक्स करते हैं, तो एफ ओमेगा स्क्वायर वन तो हो जाएगा कितना, ओमेगा स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर इंटू वन करेंगे, मतलब कि वन का इमेज आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। फिर एफ ओमेगा स्क्वायर फिक्स किए हैं इंटू ओमेगा, मतलब ओमेगा का इमेज देखेंगे, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा मतलब वन, मतलब ओमेगा का जो इमेज है वो वन मिल गया। फिर एफ ओमेगा स्क्वायर फिक्स किए हैं ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा पावर फोर मतलब ओमेगा स्क्वायर का इमेज ओमेगा है, अभी मैपिंग वन वन आन टू है। तो जो आप यहाँ वन फिक्स किए, ओमेगा फिक्स किए, ओमेगा स्क्वायर फिक्स किए, और हर बार फिक्स करने पे जो मैपिंग आप डिफाइन कर रहे हो फिक्स करके, वो सब परमुटेशन है। इसका मतलब एक परमुटेशन क्या होगा, एफ वन, दूसरा परमुटेशन क्या होगा, एफ ओमेगा, तीसरा परमुटेशन क्या होगा, एफ ओमेगा स्क्वायर। हाई एफ वन ही परमुटेशन है, ये एफ वन परमुटेशन है, हाई एफ ओमेगा परमुटेशन है, हाई एफ ओमेगा स्क्वायर परमुटेशन है, और ये जो पूरा परमुटेशन है पूरा ग्रुप बनाते हुए दिखाई देगा आपको, मैंने दिखा है ना, आप चेक भी कर सकते हैं, पूरा ग्रुप बनाएगा। और फिर आपने मैपिंग डिफाइन कर दिया, और आपने फाइव वाला भी देख लिया, वन वन है, आन टू होमोमॉर्फिज्म, तो पूरा दिखाई देता है। कोई ग्रुप ले लीजिए, वहाँ इस तरीके से मैपिंग डिफाइन करोगे, परमुटेशन जितने हैं सब बन जाएंगे, है ना, और जो परमुटेशन का सेट बनेगा परमुटेशन ग्रुप बनाता हुआ दिखाई देगा। और साथ ही साथ फिर अगर एक मैपिंग डिफाइन कर दें किस तरीके से, फाइव ए बराबर एफ ए के रूप में डिफाइन अगर करें अगर हम लोग,
तो वह मैपिंग आइसोमार्फिज्म भी दिखाई देगी जो जी से जी डैश में डिफाइंड है। तो इस तरीके से जो मैपिंग होगी है ना, वह आइसोमार्फिज्म जब हो जाएगी तो जो जिस जी से जी डैश में मैपिंग डिफाइंड किए हैं वो दोनों ग्रुप क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के आइसोमार्फिक हो जाएंगे। ठीक है, तो यही है भैया कैलीज थ्योरम जो आपको मैंने थियोरेटिकली बता दिया। न्यूमेरिकली भी आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, ऐसे किसी भी एग्जाम्पल पे आप देख सकते हैं है ना, पूरे मैपिंग को मैपिंग के तहत ही लगाते जाओ, सब परमुटेशन मिल जाएंगे, पूरा ग्रुप बनाते हुए दिख जाएगा, होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म सब दिखता हुआ दिखाई देगा, वन वन आर टू सब दिखेगा आपको। बात समझ आ रही ना, यही होता है, क्लियर है। चलिए और बातें फिर नेक्स्ट डे।